क्षत्रिय युवक संघ के इस शिविर में उत्तरोत्तर हम हमारे जीवन के लिए आवश्यक बहुत सारी अच्छी बातें सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे। एक बात जो मुख्य रूप से हमको समझने की आवश्यकता है वो यह है कि कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, उसका प्राण उसका अनुशासन है। अनुशासन क्या है इस शिविर में बताया जाता है, आपको बता दिया गया होगा या बता दिया जाएगा। पूरी व्याख्या एक पूरा 2 घंटे का बौद्धिक होता है। अनु का मतलब होता है पीछे, शासन का अर्थ है जिसकी चलती है उसका शासन। तो जिसकी चलती है, जिसका शासन है, उसकी आज्ञाओं का हूबहू पालन करना ही अनुशासन है। लेकिन हमको यह सिखाया गया है कि सैनिक अनुशासन और हमारे अनुशासन में फर्क है। सैनिक अनुशासन में पहले आज्ञा मानो, फिर कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, और हमारे अनुशासन में पहले अच्छी प्रकार समझ लें, फिर आज्ञा का पालन करें। और इसीलिए ये प्रवचन होते हैं, उनकी चर्चाएं होती है, ताकि हम ये चीजें सीख सकें। चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे सेना और पुलिस हो, बस एक बात है, उसकी आयु कितनी है ये निर्भर करता है पीछे चलने वालों पर कि वो अनुशासन कितना मानते हैं। 100 बार आप पूछ सकते हैं, कोई बात समझ में नहीं आए तो, लेकिन पालन करें परिवार का अनुशासन। सामान्यतः पिता की आज्ञा पर चलता है, पिता की इच्छा पर चलता है। कोई आश्रम की का अनुशासन जो मठाधीश है, जो आश्रम का मुख्य व्यक्ति है अथवा गुरु है, उसकी आज्ञा का पालन नहीं, उसकी इच्छा का पालन करना, यह वास्तविक अनुशासन है। ये हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा कल्याण है, समाज का कल्याण है, हमारे राष्ट्र का कल्याण है। जितने इसमें पिछड़े रहेंगे उतना ही हम हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे राष्ट्र में बाधा बन जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि जैसे आप सुनते हैं ऑफिसों में, बॉस इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज राइट। और इसीलिए सोच समझ कर, विचार करके, प्रश्न पूछ करके पालन करना सीखे, हमारे जीवन में उसको आचरित करना सीखे। हम शिविरों में ये सीख के जाते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तो बाहरी प्रभाव इतना प्रदूषण है, वैचारिक और सांस्कृतिक
कि हम उसमें बह जाते हैं। ऐसे लोगों से संग नहीं चलेगा। जहां आप जाएं, किसी ऑफिस में काम करते हैं या कोई संगठन अथवा और कोई कई दूसरी जगह पर काम करते हैं, तो भेड़ की गति से, भेड़ की तरह से जो लोग करते हैं वो हम नहीं करें। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि लोग ये निश्चित करें कि इसका जैसा आचरण है वैसा हमारा आचरण हो। ये क्षत्रिय युवक संघ हम सब से अपेक्षा करता है। आज के मंगल प्रभात में क्षत्रिय युवक संघ से की ओर से यही मंगल संदेश है।